लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलो देखते हैं। जी साहब। कौन था वो आदमी? कौन आदमी साहब? वही जो अभी अभी यहाँ से गया है। पता नहीं आप किसके बारे में पूछ रहे हैं साहब, यहाँ तो काम करने वाले दिन भर ही आ जाया करते हैं, बीसियों आदमी है साहब। मेम साहब तो जानती ही हैं। मकबूल, मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ जो अभी अभी यहाँ से गया है। पता नहीं, मैंने देखा नहीं साहब। हाँ, इतना आपको जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ जितने भी काम करने वाले लोग आते हैं सब उस सामने वाले गाँव के रहने वाले हैं। क्या नाम है उस गाँव का? सफीपुर। कौन है भाई? कौन है? मकबूल जी साहब। कौन था वो आदमी? साहब, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम, और आप फिर भी। कौन था वो आदमी? साहब मुझे नहीं मालूम। बताता है कि नहीं? साहब मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। बता कौन था वो आदमी? बता दो। वो आदमी मकबूल, 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 वो आदमी, वो आदमी कैर सिंह था। अरे मकबूल, क्या हुआ इसे? हवेली के किसी आदमी ने इसे गोली मार दी। हवेली की? लेकिन किसने? उसी ने जिसे थोड़ी देर पहले कहर सिंह मिलने आया था। कहर सिंह? वो डाकू? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक ही कह रहा हूँ रानी माँ, कोई ना कोई तो जरूर है इस हवेली में जिसका कहर सिंह के साथ संबंध है। काश मुझे उसका नाम बता देता। मकबूल, काश तो मुझे उस आदमी का नाम भी बता देता। शंकर, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मकबूल की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मरने से पहले वो मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर गया। एहसान? आसिमा, उसने मुझे उस शैतान का नाम बता दिया जिसकी मुझे कब से तलाश थी। कौन है वो? कहर सिंह, जो तुम्हारा दुश्मन है और मेरा भी। अच्छा हुआ तुम्हारे प्यार ने मुझे यहां रोक लिया, नहीं तो आज भी भटकता रहता। यह पुलिस का आदमी कैसे हो सकता है? इसके पास पिस्तौल नहीं, बंदूक नहीं, कोई भी तो ऐसा सामान नहीं जो पुलिस वालों के पास होता है।
नहीं नसवारू नहीं, ये पुलिस का आदमी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता पुलिस का आदमी, लेकिन कोई तो है। कौन हो सकता है? सरदार इसी से पूछ लीजिए, यही बताएगा। हाँ इससे पूछते हैं, कौन है तू, बोल। इसका मुंह किधर है? हाँ है, खोल। ले, खुल गया मुंह, अब बोल कौन है तू। बताता हूँ बताता हूँ, पहले थोड़ा पानी तो पी लूं। ए, पानी लाओ, चल। पानी है। मेरा नाम है पोपट लाल पटेहाल, जिंदगी से तंग आकर मरने की कोशिश कर रहा था डाकू जी। ठहरो 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 ठहरो, क्या कहा तुमने? डाकू जी। डाकू जी, एक बार फिर से कहो। डाकू जी। हाय 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 डाकू जी, सुना सुना नसवारू सुना, डाकू जी जी, एक बार फिर से कहो। डाकू जी। पहली बार नसवारू, जिंदगी में पहली बार किसी ने हमें जी कहा है। डाकू जी। हाय हाय हाय, कितनी इज्जत से हमारा नाम लिया है। अब बोल क्या कोशिश कर रहा था? जीवन से तंग आकर मरने की कोशिश कर रहा था डाकू जी, सब कुछ करके देख लिया लेकिन किस्मत साथ ही नहीं देती है। हाँ डाकू जी, सबसे पहले पानी में डूबकर मरने की कोशिश की लेकिन पानी इतना ठंडा था कि मरने से ज्यादा जम जाने का डर था, इसलिए हिम्मत नहीं हुई डाकू जी। उसके बाद रेल के नीचे कटने की कोशिश की। तो फिर क्या हुआ? 8 घंटे रेलगाड़ी का इंतजार करते करते नींद आ गई, लेकिन रेलगाड़ी नहीं आई। फिर सोचा पहाड़ी से कूद कर जान दे दूं, लेकिन डाकू जी इन पहाड़ों का भी क्या भरोसा, कहीं हाथ पैर टूट कर रह जाए और नहीं मरा तो क्या होगा। अभी ये सोच ही रहा था डाकू जी कि आपके कर्मचारी उठाकर मुझे आपके पास ले आए। मेरी तो किस्मत खुल गई, मेरी तो किस्मत खुल गई। डाकू जी, आपका बहुत नाम सुना है, सुना है कि आपकी गोली से आज तक कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा? हा हा हा, आपने पहले भी कितने बेगुनाहों को मारा है और भगवान की दया से आगे भी मारते रहेंगे। डाकू जी, अपनी बंदूक की गोली सीने के पार उतार दो। नसवारू जी। सरदार, वो कौन सी कहावत है जिसमें लंबे लंबे हाथ होते हैं? ज्ञानी से ज्ञानी मिले, कर कर लंबे हाथ। गलत, बिल्कुल गलत। पागल से पागल मिले, कर कर लंबे हाथ। नसवारू जी, मैं तो समझता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पागल मैं ही हूं, लेकिन ये ससुरा तो अपना भी बाप निकला साला। डाकू जी, क्यों कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं? इससे बातें तो बातें भी हो सकती है ना, ये तो आपके घर का आदमी है। अरे पहले बाहर वालों को तो निपटाइए, अब देरी किस बात की है? मारिए ना मुझे गोली। मार देंगे, तुझे जरूर मार देंगे, लेकिन एक बात तो हम पूछना भूल ही गए, तू मरना क्यों चाहता है? छोड़िए डाकू जी, बड़ी ट्रेजेडी है, लंबी स्टोरी है, लव स्टोरी, प्रेम कहानी, ट्रायंगल, क्या क्या, त्रिकोण, हीरो हीरोइन एंड विलन। अबे हिंदी में बोल, हिंदी में बोल। तो ये एक लड़का है हीरो, यानी कि मैं। तू? ये एक लड़की है। लड़की? नीचे। ये लड़की चली, ये लड़का चला, दोनों एक जगह आकर मिले। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, आंखें चार हुई, दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो गया, प्यार यानी के लव। हा हा हा, दोनों ने गाने गाए, जीने मरने की कस्में खाई, सुख दुख के सपने देखे, सपने देखे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। क्या? मिलन के ऐसे मधुर क्षणों में अचानक एक तीसरा आदमी इन दोनों के बीच में घुस गया। कौन? विलन। विलन? यानी के गुंडा। गुंडा यानी कि मैं? डाकू जी? नहीं, वो तो तुम्हारा भी बाप था। मेरा उसने भी बाप? इन दोनों को अलग अलग कर दिया।
लड़का मिलने के लिए तड़प उठा, लेकिन लड़की के माँ बाप ने भी गुंडे का साथ दिया। इन दोनों के बीच में एक लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी। दीवार? दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तड़प उठे। दीवार से सर टकरा टकरा कर लड़के के कपड़े तार तार हो गए। अब आप ही बताइए डाकू जी, उसके बाद मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता बचा है? बचा है, एक रास्ता बचा है। हाँ, कौन सा रास्ता डाकू जी? ये रास्ता जो सीधा मेरे तहखाने में जाता है, जहाँ जीने वाला जी नहीं सकता और मरने वाला मर नहीं सकता। ए, ले जा रहा इसको, चलो। डाकू जी मेरी बातों सुनिए ना डाकू जी। डाकू जी, डाकू जी, सत्यानाश हो तेरा। अरे तुझे कीड़े पड़े, वो भी लंबे लंबे। डाकू जी कहते कहते मेरा मुंह थक गया, कहानी सुनाते सुनाते मेरी सांस उखड़ गई। मगर साला तू नहीं सुधरा, डाकू का डाकू ही रहा। हराम दीवान जी, आप और यहाँ? यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये हुलिया क्या बना रखा है? मैं दीवान जी नहीं हूं बेटा, तुम कौन हो? हा? अब हम कौन हो गए? पोपटलाल कौन हो गया? पोपटलाल को नहीं पहचानते? जगह बदलने से याददाश्त जाती रही। मैं सचमुच दीवान जी नहीं हूं बेटा। दीवान जी नहीं हो तो कौन हो? बताता हूं। अब तो शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, सारा खेल भी करता नजर आ रहा है जी। अब क्या होगा? वही होगा मुंशी जी जो पहले एक बार हो चुका है। मैं नहीं चाहता था कि खून खराबा हो, लेकिन ये कमबख्त बुढ़िया साली ऐसे नहीं मानने वाली है। मुंशी जी, कैर सिंह को खबर भिजवा दो कि वो तैयार रहे। मैं शादी के मंडप को शमशान बना दूंगा, राख कर दूंगा उन लोगों को जो मेरे रास्ते में आएंगे। मेरे जीते जी सीमा की शादी कैर सिंह से होगी, और सिर्फ कैर सिंह से ही होगी। दीवान जी, वही होगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि अब सब चक्कर समझ में आ गया है। वो खबर लाया हूं जिसे पढ़कर आप भी चक्कर खा जाएंगे। देखिए, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।